स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है और बेसिक साइंस का आज टॉपिक है ऑल अबाउट लाइट एंड ह्यूमन आई। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पोर्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ट्रांसवर्स वेव्स का होता है। ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिसमें ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर थ्री एक्सिस प्लेन पे हम देखें, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट में अगर हम देखें, तो दो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है और थर्ड एक्सिस में वेव मूव कर रही होती है। आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स लाइक एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में तो पता होगा, एक बार रिवाइज इस डायग्राम के सहारे कर लें। विजिबल लाइट इज यूजली बिटवीन वेवलेंथ ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर। लाइट अक्सर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में ट्रेवल करती है। ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल प्रॉपर्टी कुछ फिनोमिनन लाइक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। पर व्हाट अबाउट डिफ्रैक्शन? जब लाइट बेंड हो जाती है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, एंड व्हाट अबाउट इवन व्हेन फोटोन ऑफ लाइट पुश इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर टू मूव? इसे हम लाइट की वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी भी कहते हैं। जाहिर है लाइट की स्टडीज काफी इंटरेस्टिंग है। आइए अब सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर के बारे में समझते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लियर हो जाएं। तीन तरह के मिरर होते हैं, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे सबसे पहले है पोल। किसी भी स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट है पोल। ये सरफेस ऑफ मिरर पे होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लगेगा कि स्फेरिकल मिरर किसी बड़े स्फीयर का ही एक पार्ट है। इसी स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये ऑब्वियस है कि ये मिरर का पार्ट नहीं होता क्योंकि ये सेंटर ऑफ स्फीयर है। कॉनकेव मिरर में ये फ्रंट में होता है और कॉन्वेक्स के ये पीछे। उसके बाद स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका एक रेडियस भी होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जाने वाला लाइन का डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यही लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। आगे एक और कॉन्सेप्ट है फोकल लेंथ का। इसके लिए हमें प्रिंसिपल फोकस को समझना पड़ेगा। देखें इस डायग्राम में कैसे रेज ऑफ लाइट आके मिरर से रिफ्लेक्ट हो प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही हैं। ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है। ये अपर केस एफ लेटर से रिप्रेजेंट होता है। पोल और प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। ये स्मॉल केस एफ से रिप्रेजेंट होता है। हमें ये भी पता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फीयर है सर्कुलर आउटलाइन। इस आउटलाइन पे जो हमारे मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे अपर्चर कहते हैं। स्मॉल अपर्चर वाले स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ अपर्चर फोकल लेंथ से दुगनी होती है। मतलब जो प्रिंसिपल फोकस है वो सेंटर में लाई करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। आइए एक बार प्लेन मिरर की इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। देखिए कॉन्सेप्ट है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का। वर्चुअल इमेज वो होती है जहां लाइट तो पहुंच नहीं रही एक्चुअल में, पर इमेज फॉर्म हो रही है। ये अक्सर मिरर के पीछे बनती है और अपेरेंटली लाइट भी वहां से आती लगती है। रियल इमेज कर्व्ड मिरर बनाते हैं, सेम साइड ऑफ मिरर। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस करता है। दूसरा, प्लेन मिरर में अपेरेंट लेफ्ट राइट रिवर्सल भी होता है, ये आपको पता है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर दोनों ही बराबर होते हैं। इसके अलावा साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम ही होता है, मतलब कोई मैग्निफिकेशन नहीं। प्लेन मिरर हमेशा अपराइट इमेज प्रोड्यूस करते हैं, इसे इरेक्ट इमेज भी कहते हैं। इसके बाद है कॉनकेव द्वारा फॉर्म की गई इमेज। सबसे पहले अगर इनफिनाइट डिस्टेंस पे लाइट सोर्स है तो इमेज फोकस पर बनेगी। साइज ऑफ इमेज बिल्कुल छोटा पॉइंट साइज होगा। इमेज क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट की साइड की तरफ ही बनेगी तो रियल होगी पर इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज बनेगी इन्वर्टेड और रियल। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच इसका साइज भी डिमिनिश्ड होगा।
अगर ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी बनेगी वहीं पर, सेम साइज पर इन्वर्टेड। आपको पता है ये सब इमेजेस रियल इमेजेस हैं। अब ऑब्जेक्ट को मिरर के और नजदीक लेके आए। देखिए अब ऑब्जेक्ट की अपर मोस्ट लाइट रे रिफ्लेक्शन कैसे वापस आ रही है। अब इमेज दूर बियॉन्ड पॉइंट पे बनेगी और ये लार्ज और इन्वर्टेड होगी। फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज इन्फिनिटी पर और काफी इनलार्ज होगी। इमेज अभी भी इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल करीब हो तो कॉनकेव की रिफ्लेक्टिव पावर भी रेज को मोड़ नहीं सकती। अब इमेज मैग्निफाइड होगी और अपराइट भी, लेकिन मिरर के दूसरी तरफ। इसका मतलब अब इमेज वर्चुअल ही होगी। कॉनकेव मिरर यूज होते हैं टॉर्चेस, सर्च लाइट्स और व्हीकल की हेडलाइट्स पे, जहां हमें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए। अगर किसी चीज को और इनलार्ज करके देखना है तो भी इनका यूज है, जैसे डेंटल मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना इजी है, क्योंकि सभी इमेज वर्चुअल होती हैं, अपराइट होती हैं और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती हैं। कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर में यूज होते हैं, या कभी कभी वाइडर व्यू लेना हो तब। आगे रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन वेव की चेंज ऑफ डायरेक्शन है जब ये मीडियम चेंज करती है। इसके दो लॉज हैं, एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और जो मीडियम है वो एक ही प्लेन में लाई होना चाहिए। दूसरा है स्नेल्स लॉ, जिसमें है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट करती है, जबकि डेंसर टू रेयर में ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट करती है। रिफ्रैक्शन का कारण चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वेरियस मीडियम्स है। आगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी एक या दोनों सरफेस स्फेरिकल होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। आप देख पा रहे होंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की दो स्फेरिकल सर्फेसेस हैं, मतलब इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। सेंटर पॉइंट लेंस का है ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हायर केस ओ में रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी फोकस, फोकल लेंथ एटसेट्रा के वही फंडामेंटल्स हैं। याद रखें, लेंस में वर्चुअल एंड रियल इमेज की डेफिनेशन डिफरेंट है, क्योंकि लेंस रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल में वर्क करते हैं और मिरर रिफ्लेक्शन से। लेंस में रियल इमेज ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ होगी, वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के तरफ होगी। रे डायग्राम्स को समझना दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में आसान है। पावर ऑफ लेंस इज ऑपोजिट ऑफ फोकल लेंथ। जाहिर है, अगर फोकल लेंथ कम है तो कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग फुल ऑन हो रही है। अगला कॉन्सेप्ट इस वीडियो का है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक कैमरा की तरह होती है, जिसमें एक लेंस होता है जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन रेटिना पे इमेज फॉर्म करता है। आईबॉल स्फेरिकल होती है। लाइट एक ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन कॉर्निया के थ्रू एंटर होती है। आई लेंस तो फाइनर एडजस्टमेंट करता है फोकल लेंथ में टू अलाउ इमेज फॉर्मेशन। आई में एक स्ट्रक्चर आयरिस होता है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल डायलेट कॉन्स्ट्रिक्ट होके अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई रेगुलेट करता है। आई लेंस रेटिना पे इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है। ये इमेज लाइट सेंसिटिव सेल्स को एक्टिवेट करती है, जो ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं। आई लेंस एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। सिलियरी मसल्स आई लेंस का कर्वेचर चेंज कर सकते हैं और फोकल लेंथ भी। जब मसल रिलैक्स होते हैं तो लेंस थिन हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज। ऐसे हमें दूर वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं। जब आई लेंस थिक हो जाता है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, ऐसे हमें थोड़े नजदीक वाले ऑब्जेक्ट भी दिखते हैं। हमारी आई लगभग 25 सेंटीमीटर, जिसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, से इन्फिनाइट डिस्टेंस तक देख सकती है। लास्ट में है डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उनकी करेक्शन। सबसे पहले है मेओपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इससे दूर वाली चीजें साफ नहीं दिखती। नियर विजन ठीक रहती है।
म्योपिक आई इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रेटिना के आगे बनाती है। इसे हम कॉनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं जो इमेज को दोबारा रेटिना पे लेकर आता है। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस कहते हैं। इसमें नियर पॉइंट विजन मिनिमम 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। दूर की चीज कंपैरेटिवली साफ दिखती है। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से हाइपरमेट्रोपिया भी ठीक किया जा सकता है। प्रेस्बियोपिया में कई बार एजिंग के चलते नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखना मुश्किल होता रहता है। इसका कारण ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स या आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी का कम होना है। कई बार दोनों मेओपिया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकते हैं। इसे हम बाइफोकल लेंसेज जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों होते हैं से ठीक कर सकते हैं।